नाम किशोर शंकर चावला है और मैं कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़ से 92 बैच से हूँ। और ये मेरा एक नया एक्सपेरिमेंट है जो मैंने फ़ोटोग्राफी और कंप्यूटर ग्राफिक्स को मिक्स करके ये बनाया है। इसमें मैसेज सिर्फ इतना ही है कि आज की जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करते हुए मैंने ये नया एक्सपेरिमेंट किया है। Photographs actually. In this exhibition particularly I have taken a theme of faces of India. India is a vast country. People are moving, my friends are there and they are going abroad. But what I thought was that first India is, we do have so much diversity in India. So first we can understand India. And in these portraits are basically because we can understand the people's character, people's ambitions through eyes. और उसी वजह से मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम इस एग्जीबिशन में सिर्फ चेहरों को रखें, जो चेहरे एक तरीके से कह सकते हैं खुशी, एक तरीके से कह सकते हैं अनुभव, दूसरी तरफ एक चाह, एक एज में पहुँचने के बावजूद भी कहीं आगे बढ़ने की चाह, कुछ प्राप्त करने की चाह, तो हर चीज़ हर फेस, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट पूरा इंडिया घूमा, जिस तरीके से यहाँ कुछ और हम काम देख सकते हैं, कुछ फरीदाबाद हरियाणा से हैं, कुछ राजस्थान के मेरे यहाँ कुछ काम लगे हुए हैं, तो वहाँ के पोर्ट्रेट्स। लेकिन मैंने सभी कामों में ये पाया कि जब हम एक इंसान से मिलते हैं तो सबके मनोभाव, सबके चेहरे के अपने एक्सप्रेशंस लगभग एक जैसे होते हैं, उसमें हम कोई डाइवर्सिटी नहीं पाते। तो अल्टीमेटली बात यही आ जाती है, वी ऑल आर वन, एक्सप्रेशंस, दर्द, खुशी सबकी सांझी है। किसी की खुशी और दर्द, परेशानियां हम दुनिया में किसी भी हिस्से में चले जाएं, उनको अलग नहीं नापा जा सकता।
ये जो एग्ज़िबिशन है artinfoindia.com ने ऑर्गेनाइज़ की है और जिसका मैं फाउंडर हूँ, और एज ए ऑर्गेनाइज़र मैंने ये देखा है कि इसमें जितने भी आर्टिस्ट आए सब अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, और सबको जब कंबाइन करके यहाँ पर दिखाया गया तो एक नया ही रूप हमारे सामने आया है। My name is Lohit Sharma. I am passed from Delhi College of Art, and my sculpture is done in metal, and the title is Sacrum Bone. I have just given the new life to my works, and actually my works are my scooters were taken from a garbage, so I have just given a new life. My name is Vipin Yadav, and I do work in acrylic medium. I use textures more often to create my kind of work. And in these works, I involve mechanism into human beings' life and their situations and all that. And for that, used to go industrial areas, and I used to sketch machinery parts and all that, and then I involve all those things into my work of art. And after creating I directly start on canvas, and I doesn't know prior to that like what I have going what I am going to make on the canvas. Then after creating script, I used to do scribbles and all that on canvas, and eventually it come up with a new form and all that. Thank you.
मैं बलविंदर कंवर और मैं एक्रेलिक पेंटिंग करती हूँ। जैसा कि आप देखेंगे, मैंने इस पेंटिंग को देखी और एक साथ वाली पेंटिंग को देखेंगे, तो मैंने नेशनल और सोशल प्रॉब्लम्स को सबके सामने रखने की कोशिश की है अपनी पेंटिंग्स के थ्रू। तो अब मैं एक्रेलिक मीडियम में काम करती हूँ। हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, कितना भी हम प्रोग्रेस कर लें, लेकिन कितनी भी डेवलपमेंट कर लें, लेकिन आज भी हमारे समाज में जो गर्ल चाइल्ड है उसको वो दर्जा नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। हाँ, शहरों की तरफ देखें तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे थोड़ा सा हमने कोशिश की है सबने मिलकर, लेकिन अगर आप विलेज की तरफ जाते हैं तो आज भी वहाँ जो गर्ल को है वैसे ही प्रताड़ित किया जाता है, वैसे ही उसको ओहदा मिलता है जो एक जो बॉय चाइल्ड को मिलता है, वो गर्ल चाइल्ड को नहीं मिलता। तो मैंने उसको बेसिकली अपना थीम लेके ये पेंटिंग की है और नेशनल प्रॉब्लम्स को भी मैं दिखाने की कोशिश की है। एक मैसेज है मेरा सब लोगों के सामने जो मैं पहुंचाना चाहती हूँ। एक गांधी हमारे जो थे, हमारी प्रेरणा थे, लेकिन आज हम उनको भुलाते जा रहे हैं। अगर आप इस पेंटिंग में देखें तो गांधी जी के जो तीन शब्द, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो, लेकिन आज हम उनको बिल्कुल पीछे छोड़ आए हैं। गांधी जी ने इस पेंटिंग में, या हमने, कि हमने मजबूर कर दिया गांधी जी को कि अपना चेहरा उन्होंने बिल्कुल ट्राई कलर्स, जो हमारा इंडियन फ्लैग जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, उससे अपने आप को पूरी तरह से बांध लिया है। वो दिखाना चाह रहे हैं कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है अब इस समाज में, इस देश में जो मेरी बातें थी उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उसके थ्रू मैंने दिखाना चाहा कि हम उसको बहुत पीछे छोड़ चुके हैं उन बातों को, और आज ज़रूरत है हमारे इस देश को वापस वहाँ लौटने की। मैं बैम्बूज़ के ऊपर काम करती हूँ ज़्यादातर। मेरा जो पेंटिंग का मेन थीम है वो है नेचर से रिलेटेड है, ह्यूमन बीइंग से, और जो हमारी फीलिंग्स होती हैं वो हम नेचर से बहुत जगह रिलेट करते हैं। और जो बैम्बू है वो मेरे हिसाब से, जो जैसे मैं देखती हूँ बैम्बूज़ को, वो एक ताकत, एक एडजस्टमेंट, एक सुंदरता, हर चीज़ का प्रतीक है, एक शक्ति का प्रतीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स भी जो हैं, हम लोग बहुत चीज़ इससे सीखते हैं। जैसे बांस होता है, किसी भी मौसम में या जितने भी तूफान आता है वो झुक जाता है, एडजस्ट हो जाता है, पर वापस अपनी जगह खड़ा हो जाता है, अपरूट नहीं होता। तो वही चीज़ मैं शायद एक फीमेल्स में भी रिलेट करती हूँ उस चीज़ को कई जगह, या रिलेशन्स में रिलेट करती हूँ। तो मेरे हैं मोस्टली पेंटिंग्स हैं वो कैनवस पे हैं, एक्रेलिक में मैं काम करती हूँ और वाटर कलर स्टाइल में। Thank you.
I'm Nirmal Thakur. I'm working since last 10 years in my paintings. I have worked a lot for my paintings. This time I have painted my theme, Divine Love. I wanted to show the Divine Love through my paintings. Lord Krishna and Radha. Radha is just like me, and Lord Krishna is always of everybody. So I wanted to show that there is a lack of divine love in these days. So one should understand the sacredity of the love.